नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। इस साल गेहूं की जो तीन वैरायटीज़ PBW 187, PBW 222 और PBW 303 नई वैरायटीज़ आई हैं, काफ़ी बीज मिला है, काफ़ी लोगों ने लगाया भी है। इनका कद बहुत ज़्यादा है, गिरने का डर है, तो एक रेस सी लगी है। एक प्रोडक्ट आती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो इसकी हाइट को, बढ़वार को रोक देती है, चेक कर देती है। तो इसकी एक रेस सी आ गई है, लोग स्प्रे के ऊपर स्प्रे किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। चमत्कार घरडा का एक प्रोडक्ट है, लियोसिन सिंजेंटा का प्रोडक्ट है, तो लोग इसको स्प्रे किए ही जा रहे हैं। ये जो है ना, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब एक नियामक है, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब असल में तो वो कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। ये जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, इनको यूज़ करना कोई आसान काम नहीं है। इसको सही टाइम पे, सही मात्रा पे स्प्रे किया जाए तो बहुत फ़ायदा कर सकता है। अब मैं कई बार सुन भी रहा हूँ, किसी को फ़ायदा हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है। गलत टाइम पे ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो नुकसान भी कर जाता है। अब ये जो चमत्कार है, इसके अंदर है मैपीक्वैट क्लोराइड, 5% एक्वस सोल्यूशन है। और जो लियोसिन है, इसके अंदर है क्लोरम क्वैट क्लोराइड, 50% SL, 50% सोल्यूशन है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों बढ़वार को रोकते ही हैं। अच्छा, और कंपनियों के भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्लूम है, प्लानोसेल है, वैम सी है, या फिर लियोसिन है, मतलब कई कंपनियों के प्रोडक्ट आ रही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये है क्या? ये पौधों की गैर जरूरी अतिरिक्त वृद्धि को रोकता है, बाधित करता है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं, फल और फूल गिरने से रुकते हैं, मतलब कि उनके गिरने की संख्या कम हो जाती है, जल्दी और यूनिफॉर्म मेच्योरिटी होती है, मतलब कि समान परिपक्वता को बढ़ाता है, सूखे के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है, उपज को बढ़ाता है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर पौधा गिरेगा नहीं तो उपज अपने आप ही बढ़ जाएगी। पौधे का कद बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो सूरज की रोशनी जो है ना, सब जगह पर ऊपर नीचे समान रूप से पड़ेगी, उपज बढ़ेगी। फल और फूल कम गिरेंगे, उपज बढ़ेगी। जल्दी और यूनिफॉर्म मेच्योरिटी होगी तो मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। मान लो बैंगन है, एक बैंगन बहुत बड़ा है, एक छोटा है। आलू है, आलू बहुत बड़ा है और छोटा है, गोली साइज़ है, बीज का साइज़ कम है, तो रेट ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, उपज बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। जो किसान भाई मेरी इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि भाई इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी पहले वाली वीडियोज़ और आने वाली वीडियोज़ आपको आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर सबसे पहले दिखाई दे। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो क्लोरम क्वाड क्लोराइड है, लियोसिन है, इससे शाखाओं की बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होती, कल्ले ज़्यादा नहीं फूटते। ये तो पौधे की हाइट वाले जो हार्मोन होते हैं ना, जो इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड है, उसको रोकता है। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने दिए हुए हैं, जो फसल में हैं वो अपना काम करेंगे, जो पत्ते हरे हैं, सूरज की रोशनी मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस भी होएगी, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, तो वो जो एनर्जी है पौधे की, वो बढ़वार की तरफ ना जाकर नीचे जड़ों की तरफ जाती है, या तने को मोटा करती है, या फल फूल की तरफ जाती है, मतलब उस एनर्जी को डाइवर्शन देनी है ताकि उपज बढ़ जाए। ये चिप्सोना वन की फसल है, आलू की फसल है। आज हम इसके ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि लियोसिन का स्प्रे कर रहे हैं। लियोसिन की डोज जो है आलू के ऊपर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर ऑफ पानी की है, और स्टेज जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और पानी की मात्रा भी। मैं आज ये आपको दिखाता हूँ कि आलू की स्टेज क्या है। हम कोशिश करते हैं कि एक पौधा उखाड़ के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये इस स्टेज पे है आलू, तो अगर इसको मोटा करना है तो यही स्टेज है इसको स्प्रे करने की। कुछ आलू अंडे के आकार का हो गया है, कुछ गोली है, बाकी अंडे से छोटे ही हैं। ये स्टेज है, तो ये आज 70 दिन की फसल है। अगर आपकी वैरायटी अर्ली वैरायटी है, जैसे पुखराज है
या ये वैरायटी तो 110 से लेके 15 दिन लेती है, 110-15 दिन लेती है तैयार होने में। तो इसको हम 70 दिन की फसल है और इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। तो इसका काम ही यही होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है प्लांट की, पौधे की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ की, तो उसको रोक देता है। तो पौधे की जो एनर्जी है, पौधे ने तो अपना काम करना है, पत्ते हरे हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट तो बनने ही बनने हैं। तो क्या होता है कि लिहोसिन डालने से जो पौधे की एनर्जी है वो इसकी ग्रोथ में ना हो के तो नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ तो शुरू हो ही गया है और फ्लावरिंग के ऊपर इसका काम होता है, फूलों को झड़ने से भी रोकती। खैर आलू में तो फूलों का कोई रोल नहीं है, तो मेन ये है कि आलू को मोटा करना जो है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी डोज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देवें। आलू के ऊपर इसकी डोज़ ज़्यादा नहीं है, कई लोग 250 ml या कई तो 400 ml तक जा रहे हैं, वो डोज़ गलत है। अच्छा, अगर हम ज़्यादा डोज़ दे भी देते तो उसका नुकसान पता है क्या होगा? ये होगा कि अगर आपने 10-15 दिन के अंदर अंदर आलू को निकाल के मार्केट में बेच दिया फिर तो ठीक बात है, अगर किसी कारणवश आप नहीं बेच पाए तो क्या होगा, आलू जो है ना बहुत जल्दी मोटा होगा, फटने के भी चांस होते हैं और ये गल जल्दी जाता है, खेत में पड़े पड़े भी गल सकता है। तो लिहोसिन जहाँ फ़ायदा देता है कहीं नुकसान ना कर जाए। तो दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई इसकी डोज़ जो है वो क्रॉप के हिसाब से है, जैसे कपास में थोड़ी ज़्यादा है, कणक में भी, कणक जो है 187 वैरायटी है जैसे, उसको 55 दिन के ऊपर, 55 दिन से पहले पहले 50-55 दिन पर ही स्प्रे कर देवें, क्योंकि तब ना उसका इलोंगेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको कणक की फसल भी दिखाता हूँ कि किस स्टेज पर हमें लियोसिन करना चाहिए। अब कुछ बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से भी नुकसान ना खाएं, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। पत्तों के ऊपर जब ये पड़ता है तो ये आस्ता आस्ता सही पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि इसका असर जो है ना 15-20 दिन तक पौधे में ही रहता है, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पूरा काम करेगा। अब दोपहर को कर देंगे तो क्या है कि भाई उड़ भी जाता है धूप में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि देखा देखी कुछ किसान भाई इसकी गेहूँ की अन्य वेराइटीज़ 3086 है, 1105 है, 2851 है, या और भी कोई 550 या 343 आपने लगा रखी, जिनका कद पहले ज़्यादा नहीं है, लंबा नहीं है, लंबाई पूरी या फिर छोटा है, उस पर भी स्प्रे कर रहे हैं जिसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब गेहूं का स्प्रे जो है इसकी लंबी वैरायटीज़ पर 55 दिन की अवस्था पर कर देना चाहिए, जबकि स्टेम इलोंगेशन स्टेज शुरू हो जाती है। मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके तना काट कर दिखाऊंगा भी कि जब वो नीचे गांठ बनती है, शुरुआत होती है, तो उस समय इसकी स्टेम इलोंगेशन स्टेज शुरू होती है, उस समय करना चाहिए। अब इसकी डोज जो है ना अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर अलग अलग है, जैसे गेहूं है, सोयाबीन है, मूंगफली है, पपाया, लहसुन और प्याज के ऊपर भी इसका अच्छा काम है। इसके ऊपर डोज जो है 150 से 250 ml प्रति एकड़ है, 150 लीटर पानी में, मतलब बाद की स्टेज में इसकी डोज बढ़ जाती है, शुरू की स्टेज में इसकी 150 ml गेहूँ के ऊपर करनी चाहिए। अब बैंगन है, भिंडी है, आलू है, आलू पर 1 ml प्रति लीटर पानी में, यानी कि 100 से 150 ml प्रति एकड़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि आलू फटने लग जाता है, अगर ज़मीन में पड़ा रहा आपने जल्दी नहीं निकाला तो गल सड़ भी जाता है, तो इसमें ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अंगूर में भी यूज होता है, अंगूर में ना प्रूनिंग होती है, कटाई होती है, छटाई होती है, जैसे अप्रैल में पहली छटाई के बाद 3 से 5 पत्ती अवस्था में, और फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद 5 से 7 पत्ती अवस्था में, फिर अक्टूबर में भी इसकी छटाई होती है, कटाई होती है, तो तब भी इसकी 3 से 5 पत्ती स्टेज पर करनी चाहिए। यहाँ पर डोज थोड़ी कम है, 50 से 80 ml प्रति एकड़ का इसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों गेहूँ की आपको वो स्टेज दिखाता हूँ कि जब हमें इसके ऊपर लिहोसिन स्प्रे कर देना चाहिए, मेनली जो है ना 55 दिन के ऊपर ये स्टेज आ जाती है। तो जैसे कि ये एक मैं यहाँ से ये दिखाता हूँ, मैं आपको इसको छील के दिखाता हूँ कि यहाँ पर नीचे ना एक गांठ बनती है, तो जब ये गांठ बन जाए तो हमें, क्योंकि तब ये मतलब ये है कि इसका लंबाई खींचने का समय आ गया है। ये इस जो हमने ये तोड़ के लाए हैं इसको बीच में से, चाकू से काट के दिखाता हूँ,
दोस्तों ये जो गांठ बनी है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये जो गांठ बनी है ये स्टेज है जब हमें लियोसिन का स्प्रे कर दें। ये लगभग 55 दिन के ऊपर लंबी अवधि की कनक हो तो 55 से 60 दिन के अंदर ये आ जाती है। इस स्टेज पर हमें लियोसिन का स्प्रे कर देना चाहिए। अब इसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद एक गांठ और यहाँ पर बनेगी, वहाँ से फिर ये छोटा सा सिट्टा भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अंदर ही शुरू में ही ये बाली हमारे को दिखाई, छोटी सी होती है, दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और ये जो स्टेज है, इस स्टेज से पहले ही पहले हमारे को यूरिया भी निपटा देना चाहिए। 50 दिन के अंदर अंदर हमें सारी यूरिया डाल देनी चाहिए ताकि उसने जो फुटाव का काम करना है वो कर ले। उसके बाद इसने लंबाई खींचनी है, लंबाई को हमें रोकना है तो 55 दिन, 60 मैक्सिमम 60 दिन की स्टेज पर हमें लियोसिन का स्प्रे कर देना चाहिए। दो वैरायटीज़ हैं, एक तो है 187 PBW नई वैरायटी आई है, उसका भी कद बहुत ज़्यादा होता है। उस कद करके ना वो गिरती बहुत ज़्यादा है मेच्योरिटी पे। अगर मान लो हवा आ जाए, पानी देना पड़ता है या बारिश आ जाए तो गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक और वैरायटी है PBW 222, उसका भी कद बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर ये खासियत है उसका तना बहुत मजबूत होता है। छोटी मोटी हवा से, हल्की हवा से या बारिश से वो बिल्कुल नहीं गिरती। तो PBW 187 के ऊपर तो लियोसिन का स्प्रे कर ही दें तो बेटर है, सब लोग करते हैं, रिकमेंडेशन भी है। वैसे तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, लियोसिन चमत्कार है, तो ये जो लो रिस्क रेगुलेटर है, ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन फिर भी इसका ना थोड़ा सा असर तो आता ही है फसल के ऊपर। तो गैप काफ़ी होना चाहिए, जैसे गेहूं में कह रहे हैं 55-60 दिन के बाद, उसके बाद कम से कम 80 दिन पड़े होते हैं पकने में, और आलू में भी हमें 55-60 दिन की स्टेज पर कर देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भी लियोसिन चमत्कार, इन दोनों चीज़ों का स्प्रे जो है आप अपनी फसल के ऊपर अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि भी कब करना है। फ़ायदे के लिए ही करेंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। इसके साथ ही थैंक यू।